हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक परिवार ने मानवता की अनोखी और सराहनीय मिसाल पेश की है। दरअसल एक सड़क दुर्घटना में अपना नौजवान बेटा गंवा चुका ऊना का एक परिवार बिना हेलमेट वाहन चालकों को फूलों का हार पहनाकर हेलमेट पहनने की शपथ दे रहा है। इस परिवार ने इस पुनीत कार्य में ऊना पुलिस भी अपना सहयोग दे रही है। ऊना पुलिस इस परिवार के साथ अपने जवानों की ड्यूटी लगाकर बिना हेलमेट वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट के लिए प्रेरित कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक परिवार ने मानवता की अनोखी और सराहनीय मिसाल पेश की है। दरअसल एक सड़क दुर्घटना में अपना नौजवान बेटा गंवा चुका ऊना का एक परिवार बिना हेलमेट वाहन चालकों को फूलों का हार पहनाकर हेलमेट पहनने की शपथ दे रहा है। इस परिवार के इस पुनीत कार्य में ऊना पुलिस भी अपना सहयोग दे रही है। ऊना पुलिस इस परिवार के साथ अपने जवानों की ड्यूटी लगाकर बिना हेलमेट वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट के लिए प्रेरित कर रही है। इस परिवार का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी तरह कोई और परिवार भी अपने घर का चिराग न गवाए। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस परिवार ने सड़क दुर्घटना में मृतक अपने नौजवान बेटे के अंग दान कर 7 लोगों को नई जिंदगी भी दी थी। अंगदान की इस खबर को मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया था। ऊना पुलिस भी इस परिवार के प्रयास की प्रशंसा करते हुए उनके सार्थक प्रयास में हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। कहते हैं कि एक पिता और एक परिवार पर एक नौजवान बेटे की अर्थी का बोझ सबसे भारी बोझ होता है। ये बोझ उठाना और ये दर्द सहना आसान नहीं होता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसने ये बोझ उठाकर और ये दर्द सहकर भी दूसरे परिवारों को ऐसा दर्द ना मिले उसके लिए एक सराहनीय मुहिम शुरू की है। ये तस्वीर है ऊना के संतोषगढ़ कस्बे के परिवार की, जिन्होंने अपना करीब 20 साल का नौजवान बेटा सड़क दुर्घटना में खो दिया था। 2013 में करीब 6 साल पहले ऊना में ही सड़क दुर्घटना के दौरान हेलमेट नहीं पहनने के कारण इस परिवार ने अपने छोटे बेटे संजय को गंवा दिया था। हालांकि एक जवान बेटे को खोने का गम बहुत बड़ा था, लेकिन अपने गम को अपने दिल में दबाकर अन्य परिवारों को ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़े इस सोच को लक्ष्य बनाकर मुहिम शुरू की है। अपनी सोच को दिशा देने के लिए इस परिवार ने सामाजिक संस्था बनाकर पुलिस के सहयोग से दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर और शपथ पत्र के माध्यम से हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने की मुहिम चलाई है। अपने लक्ष्य अपनी सोच के तहत मही परिवार ने पुलिस के सहयोग से बिना हेलमेट सवार दो पहिया वाहन चालकों को रोककर उन्हें फूल माला पहनाकर और शपथ पत्र के माध्यम से हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। वो इस वाहन चालकों को हेलमेट नहीं पहनने के दुष्परिणाम और उसका परिवार पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में भी समझाता है। मीडिया से बात करते हुए महे परिवार अपने बेटे को याद कर फपक फपक पर रो पड़ता है और अपने बेटे की याद में इस पुनीत कार्य को करते रहने का दावा करता है। 11 जून 2013 को हमारे एक नौजवान बेटे संजय की सड़क दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु हो गई थी और पीजीआई में हमने उनके ऑर्गन डोनेट किए थे। वो घटना को याद करते हुए हम सहर उठते हैं कि काश उसने हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती थी। इसीलिए हमने एक नवज्योति यूथ वेलफेयर सोसाइटी संतोषगढ़ के सहयोग से गांव-गांव में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हेलमेट पहनो, सरकार के नियमों का पालन करो और रूलों को फॉलो करें ताकि एक अनमोल कोई ज़िंदगी को एक बच्चा इस दुनिया से ना जा सके। तो यही हम अपील करके पुलिस के सहयोग से हेलमेट पहनने को प्रेरित कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो नए जो रूल बनाए उसको आप जरूरी मानते हैं? वो हमारी लाइफ के लिए ही कानून है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो जुर्माना हमें हो ही नहीं सकता। अगर हम निजमों को माने तो जुर्माने से ही बच सकते हैं, अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। अपनों का खोने का दर्द से मैं भलीभांति वाकिफ हूँ। हम अपनी नवज्योति यूथ वेलफेयर सोसाइटी और पुलिस के सहयोग से जो वाहन चालक बिना हेलमेट के राहगीर चलते हैं उनको फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं कि आगे से हेलमेट पहने। पुलिस चौकी संतोषगढ़ का स्टाफ ट्रैफिक चेकिंग के लिए गया था। वहाँ पे नवजीवन जो संस्था है, वहाँ पे एनजीओ है, उन्होंने संपर्क किया था। उन्होंने जो पुलिस चेकिंग कर रही थी वो भी उस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने जिन लोगों ने हेलमेट पहने थे उनकी प्रेज की है और जिन्होंने नहीं पहने थे उनको फूल की मालाएं डाल के उनको प्रेरित किया कि आप हेलमेट डालें और हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है। तो उन्होंने थोड़ी देर पुलिस के साथ रहे, उसके बाद पुलिस ने अपना सुचारू अलग से चालान किए हैं। पुलिस आगे भी अगर संस्था इस तरीके की प्रेरणा करेंगी तो पुलिस सहयोग करेगी?
जी पुलिस बिल्कुल संस्थाओं का सुरक्षा के इस लिहाज से ऐसे जनरल काउज के लिए बिल्कुल सहयोग देगी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।